कोरोना को लेकर तैयारियों का जायजा लेने के लिए सीएम मिर्जापुर पहुंच चुके हैं। इससे पहले वाराणसी में थे सीएम योगी वाराणसी से उड़ान भरकर मिर्जापुर पुलिस लाइन हेलीपैड पर पहुंचे। उसके बाद सीएम ने सबसे पहले इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का निरीक्षण किया है। इसके ठीक बाद अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ भी उनका समीक्षा बैठक का कार्यक्रम है। बैठक के बाद सीएम मीडिया से मुखातिब होंगे, उसके बाद गांव का निरीक्षण भी करेंगे। तो फिलहाल मिर्जापुर में सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां पर कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण उनके द्वारा किया गया है, और अब अधिकारियों और प्रतिनिधियों से बातचीत यहां पर होगी, यानी कि समीक्षा बैठक होगी। जानने की कोशिश होगी कि तैयारियां मौजूदा वक्त में किस तरीके की हैं और आगे के लिए क्या तैयारियां की जा रही हैं। तो फिलहाल मिर्जापुर में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। इससे पहले वाराणसी में मौजूद थे, वाराणसी से उनकी रवानगी होकर मिर्जापुर में फिलहाल वो पहुंच चुके हैं और यहां पर जायजा ले रहे हैं। लगातार मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं अलग अलग जिलों में, और ये जानने की कोशिश उनकी तरफ से की जा रही है कि अधिकारीगण किस तरीके से काम कर रहा है, स्वास्थ्य महकमा किस तरीके से काम कर रहा है। जो तमाम बातें मुख्यमंत्री की तरफ से कही जा रही हैं, तमाम निर्देश दिए जा रहे हैं, उन निर्देशों का जमीनी तौर पर कितना पालन हो रहा है, लोगों के लिए कोई दिक्कत या फिर परेशानी नजर तो नहीं आ रही। अगर ऐसा है तो फिर अधिकारियों को फटकार लगाने से भी मुख्यमंत्री नहीं चूकेंगे, और इसके साथ साथ व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए ये जो दौरे हैं वो काफी महत्वपूर्ण हैं। तो फिलहाल मिर्जापुर पहुंच चुके हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण के द्वारा किया गया है और बैठक उनकी होगी, मीडिया से भी मुखातिब होंगे। और ये आपको बता दें, लगातार मुख्यमंत्री की तरफ से दौरों का जो सिलसिला है वो जारी, और वो इसीलिए क्योंकि प्रदेश में मौजूदा जो हालात हैं वो और बेहतर स्थिति में हैं। और इस वक्त हमारे साथ राजेश मिश्रा ज्यादा जानकारी के साथ मिर्जापुर से जुड़ चुके हैं। राजेश, फिलहाल क्या तस्वीरें सामने आ रही हैं और अभी क्या जानकारी, क्योंकि मुख्यमंत्री मिर्जापुर पहुंच चुके हैं दौरे के लिए? जी, आपको बता दें कि अभी अभी माननीय मुख्यमंत्री जी आए हैं कोविड सेंटर में, और वहाँ पे 55 लाख रुपए के लागत से ऑक्सीजन जनरेटर का लोकार्पण किए हैं, और उसके बाद यहाँ पे कोविड हॉस्पिटल में इंटीग्रेटेड में गए हैं, और वहाँ पे जांच करने के बाद यहाँ के एक नुआव गांव में दौरा करने के लिए गए हैं। वहाँ का परीक्षण करने के बाद जनप्रतिनिधियों और यहाँ के अधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे, उसके बाद मीडिया का ब्रीफिंग करेंगे, और 12:15 बजे उसके खाली होने के बाद माँ विंध्यवासिनी धाम के लिए जाएंगे, और वहाँ पे माँ का विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन करने के बाद वहाँ पे कुछ भोजन ग्रहण करेंगे। बिल्कुल, अभी अगर बात की जाए तो यहाँ पर तकरीबन आज मिर्जापुर में कितनी देर के लिए मुख्यमंत्री रहेंगे, क्योंकि वाराणसी की अगर बात की जाए तो 2 दिन के दौरे पर वहां पर थे और आज ही उनकी रवानगी होकर मिर्जापुर अब वो पहुंचे हैं। यहाँ आज कितनी देर रहेंगे मुख्यमंत्री? जी, आपको बता दें कि यहाँ पे 10:30 बजे आ चुके हैं, और यहाँ से 1 बजे तक प्रोटोकॉल पे था, किंतु यहाँ पे माँ विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन करके उनका ड्रीम प्रोजेक्ट विंध्य कॉरिडोर विंध्याचल में बन रहा है, वो उसका भी निरीक्षण करेंगे। माँ विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन करने के बाद वहाँ का अधिकारियों से पुनः मीटिंग करने के बाद तब वो यहाँ से निकलेंगे। शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। अब बढ़ते हैं आगे। सीएम योगी ने अपने वाराणसी दौरे के दूसरे दिन शिवपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने ड्रोन से सैनिटाइजेशन और पब्लिक एड्रेस सिस्टम का शुभारंभ किया। सिर्फ इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने पैम्पलेट वितरण कार्यक्रम वाली मशीनों का भी शुभारंभ किया है। तो ये आपको बता दें कि दूसरे दिन का दौरा ये मुख्यमंत्री का आज था, और ऐसे में ड्रोन से सैनिटाइजेशन यहां पर होगा, इनका शुभारंभ मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया है। तो ये ड्रोन सैनिटाइज करने के साथ साथ लोगों को जागरूक करेंगे, पैम्पलेट भी इन ड्रोनों के जरिए बांटे जाएंगे। कुल मिलाकर काफी महत्वपूर्ण ये, क्योंकि इस वक्त लोगों में जागरूकता बेहद जरूरी है, और उसके साथ सैनिटाइजेशन का काम वहां पर इन ड्रोन के जरिए किया जाएगा जहां पर सैनिटाइजेशन की गाड़ियां नहीं पहुंच पाती, यानी कि जो सक्रिय गलियां हैं वहां पर ये ड्रोन पहुंचकर लोगों को जागरूक भी करेंगे और वहां के इलाके को सैनिटाइज भी करेंगे। तो उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार कम हो रहे हैं। सरकार लगातार लोगों से कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की अपील कर रही है, लेकिन फिर भी कुछ लोग लापरवाही बरत रहे हैं। वाराणसी में आज से स्मार्ट सिटी के तहत ड्रोन मशीनों के जरिए लोगों को जागरूक किया जाएगा। इसके लिए ड्रोन मशीनों का इस्तेमाल किया जाएगा। एक मशीन सैनिटाइजेशन का काम करेगी, दूसरी पब्लिक एड्रेस सिस्टम और तीसरी पंपलेट बांटने का काम करेगी।
कोविड गाइडलाइन का पालन कराने के लिए सरकार और प्रशासन लगातार दिशा निर्देश दे रहा है, लेकिन फिर भी कुछ मामले सामने आते हैं जहां पर कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन किया जाता है। उन्हीं लोगों को जागरूक करने के लिए स्मार्ट सिटी के तहत ड्रोन के जरिए सैनिटाइजेशन, पब्लिक एड्रेस और पंपलेट वितरण के लिए ये मशीनें आज से वाराणसी में काम करेंगी। यहाँ तीन तरीके की मशीन है। एक मशीन जो तंग गलियाँ हैं, जैसा हम लोग जानते हैं बनारस की छोटी छोटी तंग गलियाँ हैं, उनमें जा करके सैनिटाइजेशन का काम करेगी। एक जो दूसरी मशीन है वो पब्लिक को लाउड स्पीकर के जरिए एड्रेस करेगी, बताएगी कि क्या क्या चीज़ें हैं गाइडलाइन का उल्लंघन ना किया जाए, जो तमाम दिशा निर्देश हैं वो बताए जाएंगे। साथ ही एक मशीन और है जो पंपलेट बांटेगी जिनमें दिशा निर्देश लिखे होंगे, क्योंकि हमको जो प्रशासन है वो लगातार चीज़ें बताता रहता है, समझाता रहता है, लेकिन बार बार लोग इस चीज़ का उल्लंघन करते हैं और वो कोरोना संक्रमण को बढ़ने में सहायता देती है। तो इन तमाम चीज़ों से निपटने के लिए जो आधुनिकता की बात कही जाती है, जो कहा जाता है कि हमें टेक्नोलॉजी का सहारा लेना चाहिए, उसी के तहत ये तीन ड्रोन मशीन आज से वाराणसी में काम करेंगी और इससे कहीं ना कहीं अवेयरनेस बढ़ेगी जो कि कोरोना संक्रमण की दर को रोकने में सहायता देगी। कैमरामैन बाबूलाल के साथ विशांत श्रीवास्तव, जी मीडिया, वाराणसी।